रांची में सीएम आवास घेरने के लिए गोलबंद हुए 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों की बिरसा चौक पर पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस बल ने आंदोलित कर्मियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया, जिसमें संविदा कर्मियों को गंभीर चोटें लगी हैं। आपको बता दें, लाठी चार्ज के बाद आंदोलित संविदा कर्मी और भी आक्रोशित हो गए। वे पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें, आंदोलित संविदा कर्मी पिछले कई दिनों से रांची के बिरसा चौक पर धरना दे रहे थे, तो आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया। संविदा कर्मी जैसे ही सीएम आवास का घेराव करने आगे बढ़े, तभी वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। बता दें, संविदा विस्तार होने और दूसरे मसलों को लेकर बीते 17 दिसंबर 2020 से कर्मी हड़ताल पर हैं। संघ के मुताबिक राज्य भर में अकाउंटेंट, सह कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियरों की कुल संख्या 1600 है। 31 दिसंबर 2020 के बाद से तकरीबन सभी बेरोजगार हो गए हैं, तो कोरोना काल में सेवा देने के बावजूद कई कर्मियों का भुगतान लंबे वक्त से नहीं किया गया है, जिसको लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं।